हेलो बच्चों, वेलकम टू एबीसीडी वर्णमाला। बच्चों, हम आपको आज एडिशन, जिसको जोड़ बोलते हैं, एडिशन विथ कैरी, जो हिंदी में हासिल बोला जाता है, हासिल वाले जोड़ आपको बताएंगे। तो बच्चों, जैसे हमें कोई संख्या लिखनी है तो ये हम पहले वंस लिख लेते हैं, टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स। तो बच्चों, हम इसी तरह से लिखते हैं, चूंकि हम जब एड करते हैं तो वो वंस से प्लेस से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर लेफ्ट साइड बढ़ते रहते हैं, इधर से एड करते रहते हैं। तो आइए हम नंबर एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमारे पास है 3482। ये नंबर है हमारे पास ऐड करने के लिए, 3482। अब हमें इसको ऐड करना है 7521 से। ठीक बच्चों, ये हमें ऐड करना है। तो बच्चों, इसका सम कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। हमारे पास सम कैसे आएगा, हम इधर वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, तो हम इसको पहले वंस से ऐड करना शुरू करेंगे। तो वंस में हमारे पास क्या क्या नंबर्स हैं, टू है और वन है। तो टू और वन को हम ऐड करेंगे, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं। तो टू और वन को ऐड करेंगे, टू प्लस वन इक्वल टू थ्री। कितना हो जाएगा बच्चों, टू प्लस वन इक्वल टू थ्री। अब नेक्स्ट डिजिट 10th प्लेस में जो है उनको ऐड करेंगे, तो एट हमारे पास क्या है बच्चों, एट है और टू है। तो एट प्लस टू इक्वल टू कितना हो जाएगा, एट के बाद में टू ऐड करेंगे तो नाइन एंड टेन, एट प्लस टू टेन हो जाएगा। तो बच्चों, यहाँ पे हमें टेन तो कैसे लिखना, देखिए यहाँ पे टेन अगर आता है तो टेन का यहाँ पे ये जीरो लिखेंगे और वन को कैरी लिखेंगे। वन कैरी किधर जाएगा, इसके हंड्रेड में, टेंथ में है तो हंड्रेड में ये वन कैरी यहाँ पे जाएगा। ठीक बच्चों, ये देखो वन कैरी आ गया, ठीक है, और ये जीरो हो गया। अब हम फिर से ऐड करेंगे, अब हमारे पास क्या क्या हो गया, फाइव प्लस फोर प्लस वन कितना हो गया, फाइव प्लस फोर नाइन हो गया बच्चों, प्लस वन टेन, तो ये कितना आ जाएगा, जीरो। ये भी टेन हो गया, तो ये जीरो, और कैसे टेन हुआ था, ये वन और जीरो, तो ये जीरो यहाँ पे आ गया और वन कैरी, जैसे हमने प्रीवियसली किया था उसी तरह से वन कैरी यहाँ पे आ गया थाउजेंड प्लेस में। बच्चों, अब हम ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे, सेवन प्लस थ्री प्लस वन, सेवन प्लस थ्री कितना हो जाएगा, सेवन प्लस थ्री इक्वल टू टेन हो जाएगा, प्लस वन इलेवन। अब ये जब लास्ट डिजिट है, मतलब लेफ्ट मोस्ट की डिजिट है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इलेवन को इलेवन ही लिख देंगे। तो ये आपका आ गया इलेवन। तो इसको कैसे पढ़ेंगे बच्चों, 11003, आप इसको पढ़ना भी आना चाहिए। देखिए हंड्रेड्स में कुछ नहीं है और टेंस में कुछ नहीं है, तो ये हो जाएगा 11003, 11003। ठीक है बच्चों, 11003, हंड्रेड्स में कुछ नहीं है तो हंड्रेड्स में कुछ नहीं बोलेंगे और टेंस में कुछ नहीं है तो वो नहीं बोला जाएगा। तो बच्चों, अगर आपको बोला जाए 11003 लिखो, तो 11 के बाद दो जीरो लगेंगे और थ्री, इससे भी आप सीख सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छा लगा होगा बच्चों ये वीडियो, थैंक यू, और आपने एंजॉय किया होगा। थैंक यू बच्चों।